दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। गुरुवार को जहां दिल्ली में गर्मी का 8 साल का रिकॉर्ड टूटा और पारा 45 डिग्री तक पहुंचा, वहीं शुक्रवार को भी इंसान से लेकर जानवर तक सभी परेशान रहे। रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी के कारण शुक्रवार को मौसम विभाग ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तर भारत के कई शहरों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में लोग लू और गर्मी से परेशान हैं। श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा है। वहीं यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे प्रदेशों में भी गर्मी चरम पर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक गर्मी और लू का कहर बढ़ेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में लू भरी हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी राजस्थान में तापमान सामान्य से काफी अधिक तथा पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य रहा। शुक्रवार को राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान आका गया, जहां मई महीने का 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 49.6 डिग्री सेल्सियस को छू गया। राजस्थान के ही चुरू में भी 48.5 डिग्री तापमान रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूरे उत्तर भारत में तापमान कम होने के अभी आसार नहीं है। गर्म शुष्क हवाओं का दौर अब भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इसके बाद भी 6 जून तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। सूरज आग बरसाएगा और तेज लू के थपेड़े भी लोगों को सहने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क।